हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस मॉड्यूल में क्लास सेवेंथ का चैप्टर फोर यानी कि जो है हीट एंड इट्स इफेक्ट। इस मॉड्यूल में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हीट होता क्या है, हीट को हम कैसे कर सकते हैं, हॉट या कोल्ड बॉडी क्या होता है, ठीक है। फिर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हीट जानेंगे, फिर हीट एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होती है वो जानेंगे, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हीट एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है वो जानेंगे, फिर आगे आपका है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानेंगे और टेम्परेचर का यूनिट्स जानेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो सब आज जानेंगे, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसका नाम है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं। उसके बाद अगले मॉड्यूल में हम लोग इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे हीट क्या होता है, तो आइए हीट का डिफिनेशन देखते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का वह फॉर्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। का मतलब क्या हुआ? हीट जो है वो इनर्जी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? इनर्जी का। हीट इज अ फॉर्म ऑफ इनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब हीट इनर्जी का वह फॉर्म है जो हमें फील कराता है, सेंस कराता है, रियलाइज कराता है क्या किसी सब्सटेंस की हॉटनेस कितनी है या कोल्डनेस कितनी है, ठीक है। तो ये हो गया हीट की बात रही। अब जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं अपने डेली लाइफ का, जैसे व्हेन वी स्टैंड इन सनलाइट और सिट नियर फायर। जब हम धूप में खड़े होते हैं या कहीं आग जल रही होती है तो उसके पास हम बैठते हैं तो हम लोग क्या फील करते हैं? हॉट फील करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। अब ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टच अ पीस ऑफ आइस वी फील कोल्ड। अगर हम दूसरी बात करें तो अगर हम लोग बर्फ़ के टुकड़े को टच करते हैं यानी छूते हैं तो हम लोग कैसा फील करते हैं? कोल्ड फील करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हमने एग्जांपल से देखा किस तरह हम हॉट, कोई बॉडी कितना हॉट है कितना कोल्ड है वो हम सेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्लियर है। चलिए अब हम हीट एनर्जी को किस तरह दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने हैंड्स को रब करते हैं, ठीक है। आपस में हम लोग अपने दोनों हाथ को रब करते हैं। धीरे धीरे हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि वो गर्म हो रहे हैं। हम लोग जब रब करते हैं तो गर्म होते हैं। अब किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने हाथों को रब कर रहे होते हैं तो जो भी मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी किसे बोले, जो मोशन के कारण एनर्जी होता है उसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हम अपने हाथों को आपस में रब कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में, और हम लोग हॉट फील कर रहे हैं, ठीक है।
और मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी। अब तो ये रही बात कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में, उसी प्रकार हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो भी मोटर बाइक या कार होता है उसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल क्या है? सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। पेट्रोल जलता है तो क्या देता है? हीट एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग डाले तो क्या है? डाले तो सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी ना, उससे केमिकल एनर्जी का सोर्स डालें, उससे क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रहा है। तो वहाँ क्या बोलेंगे हम कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में। और फर्दर उसके बाद हीट एनर्जी होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण हमारा मोटर बाइक मोशन में आता है और आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये रहा है कुछ एग्जांपल्स। अब SI यूनिट ऑफ हीट, हीट को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, प्रीवियस क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए उसका स्पेसिफिक यूनिट होता है। जैसे हम लोग अगर मार्केट जाते हैं तो ऐसा हम तो नहीं बोलेंगे कि 2 मीटर आलू दीजिए या 2 मीटर प्याज दीजिए, ऐसा नहीं ना बोलेंगे। या फिर हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे 2 kg कपड़े दीजिए। तो इसीलिए हर यूनिट का एक स्पेसिफिक, हर फिजिकल क्वांटिटीज का, हर क्वांटिटी का मेजर करने के लिए एक अलग स्पेसिफिक यूनिट होते हैं। तो हीट को भी मेजर करने के लिए उसके यूनिट्स होते हैं। जैसे हीट को मेजर करने के लिए हीट का SI यूनिट होता है जूल। हीट का SI यूनिट क्या होता है? जूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। इसको कैपिटल J से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, SI यूनिट क्या होता है हीट का? जूल। SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये यूनिट पूरे वर्ल्ड वाइड, जैसे आप अगर अमेरिका भी चले जाएं तो यहाँ हीट को मेजर जूल में ही किया जाता है। अगर श्रीलंका भी चले जाएं तो भी यहाँ मेजर किया जाता है जूल में ही। तो चूंकि वर्ल्ड वाइड पे जो यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? SI यूनिट, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट मतलब ये हुआ। अदर यूनिट क्या है हीट का? अदर यूनिट्स ऑफ हीट, हीट को हम कैलोरीज में भी मेजर कर सकते हैं। कैलोरीज, हीट को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करेंगे CAL और डॉट। ठीक है, तो अब ये हम लोग कैलोरी और जूल में रिलेशन देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ नाउ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे ऐसा करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए एक रिलेशन होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू CAL डॉट लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कैलोरी ही है, इज इक्वल टू होता है 4.184 जूल। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.184 जूल। यानी आगे में हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें काम आएगा, कितना मतलब कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। अगर क्वेश्चन में जूल में पूछ रहा है तो हम जूल में निकालेंगे, अगर कैलोरी में बोला है तो कैलोरी में चेंज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको रिलेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इन सबको ध्यान में रहेंगे। और एक और बात, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस मान लीजिए, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। हीट क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं।
हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या इस बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा? नहीं। वेरी गुड। इस बॉडी में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर रेज होगा और ये बॉडी क्या हो जाएगा? हॉट। इट बिकम्स हॉट। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ देखते हैं तो मान लीजिए कि ये कोई सब्सटेंस, इसमें से हम क्या करते हैं हीट को हम रिलीज करा रहे हैं, ठीक है, हीट को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिलीज करा रहे हैं, ठीक। तो क्या इस बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा या डिक्रीज होगा? यस, डिक्रीज होगा। तो बॉडी का अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये बॉडी क्या होगा? वेरी गुड, कोल्ड होगा, ठीक है, ये बॉडी कोल्ड होगा। तो ये समझ गए कि जब सप्लाई करते हैं हम हीट का तो बॉडी हॉटर बन जाता है और जब हम लोग रिलीज करवाते हैं किसी सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करते हैं हीट तो वो बॉडी क्या होता है? कोल्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये रही बात। अब बात आती है कि टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। नाउ अब बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर कहते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम ह्यूजन स्केल इच कॉल्ड इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अब कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है? तो उसके लिए ये टेम्परेचर आता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर हम निकालेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बॉडी इतना हॉट है, अच्छा ये बॉडी उतना कोल्ड है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर क्या बताता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हमको डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है इसी स्पेसिफिक स्केल पे, ठीक। इसका भी यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का, इसको मिटा दें, नहीं नहीं एक मिनट, चलिए ऐसा यूनिट पहले लिख देता हूँ, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन को हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को तो बहुत सारे यूनिट है जैसे सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट हो गया और केल्विन, ये तीन यूनिट है इसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। लेकिन एसआई सिस्टम में यानी इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग अदर यूनिट्स देखें टेम्परेचर का। अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अदर यूनिट्स में क्या आता है? सबसे पहले सेल्सियस, ठीक है, ये एक एंड स्वीडिश साइंटिस्ट थे एंड्रस सेल्सियस, उन्हीं के ऑनर में इसका नाम रखा गया सेल्सियस, ठीक है,
स्वेडिश साइंटिस्ट डिस्टेंसिस कौन थे? एंड्रयू सेल्सियस। उन्हीं के ऑनर में टेम्परेचर का एक यूनिट सेल्सियस रखा गया, ठीक है। और आगे आती है फारेनहाइट, ठीक है। अदर यूनिट में दूसरा यूनिट है फारेनहाइट। तो फारेनहाइट एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट। डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट, ठीक है। तो उन्हीं के ऑनर में ये फारेनहाइट रखा गया। और एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे एंड्रयू सेल्सियस, जिनके ऑनर में सेल्सियस रखा गया, ठीक है। अब रिलेशन हम लोग ये तीनों यूनिट में आपस में रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे अगर क्वेश्चन दिया रहे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 96.98.6 फारेनहाइट है तो उसको सेल्सियस में कितना होगा या फिर केल्विन में कितना होगा। अगर तीनों यूनिट में से किसी एक यूनिट में टेम्परेचर दिया हो तो हम दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग रिलेशन देखते हैं, उसका रिलेशन क्या है तीनों यूनिट के बीच। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यूनिट ये होता है, देखिए सॉरी रिलेशन ये होता है सी सी, मैंने बताया ना सेल्सियस को, सॉरी सी जो है वो सेल्सियस को डिनोट करता है। सी बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9 181, सॉरी इज इक्वल टू के माइनस 273 बाई 100, ठीक है। ये होता है हमारा रिलेशन, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर फारेनहाइट में पूछ रहा है तो ये दोनों रिलेशन को ले लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ये दिया हुआ है मेरा और ये सब तो डिजिट है, इसको सॉल्व करेंगे तो फारेनहाइट का जो वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा, फारेनहाइट का वैल्यू निकल जाएगा। अगर सेल्सियस में पूछ रहा है, फारेनहाइट दिया हुआ है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं अगर फारेनहाइट दिया हुआ है। यानी कि ये तीनों में से अगर किसी एक का दिया हुआ है तो हम बाकी दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, बनाइएगा आप लोग घर पे, क्योंकि हम तो देखने जा नहीं रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है। तो आप लोग खुद के प्रति ऑनेस्ट होइए, ठीक है, ईमानदारी बरतिए। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ बॉय इज 98.6 डिग्री फारेनहाइट, क्लियर है। कैलकुलेट द
टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक, तो सेल्सियस स्केल, ठीक है, तो ये आप लोग अपना बनाइएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर इसका मैं लिख देता हूँ, आंसर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप एक बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा और क्वेश्चन मैं दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्किप करते हैं, चलिए सॉल्यूशन में हम लोग आ जाएं। सॉल्यूशन वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, सेल्सियस, देखिए फ़ारेनहाइट में हमारा दिया, सेल्सियस में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम दो रेशियो के लेंगे, सी वाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 180। तो हमारा फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको थोड़ा स्किप करते हैं, हम वैल्यू पुट करेंगे, सी बाई 100 इज इक्वल टू 98.6 माइनस 32 बाई 180, ठीक है। नाउ सी इज इक्वल टू 66.6, यहाँ क्या हो जाएगा, 66.6 इंटू ये 100, यहाँ ये 100 जो है यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा आई 180, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट, फिर यहाँ 5, यहाँ 9, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम लोग केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलिए थोड़ा सा इसको, इसी तरह से आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने बुक नहीं लिया अभी तक तो ले लीजिए, स्टोर पे अवेलेबल है। नाउ अब एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मल बॉडी मतलब रूम टेम्परेचर पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। अब वाटर, वाटर प्योर वाटर लिखिए, प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्ट भी इसी पे करता है, वाटर स्टार्ट मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर क्या होता है, प्योर वाटर मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कुछ की टर्म्स थे जो आपको नॉलेज रहने चाहिए थे। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टेम्परेचर को अब हम लोग मेजर किसे करेंगे, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, ठीक है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, द डिवाइस
used to measure the temperature of a body is thermometer. किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम? थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर के थर्मोमीटर में जब आप थर्मोमीटर देखेंगे उसमें होगा ही थर्मोमीटर, एक सेकेंड दिखा देता हूँ आपको। ये तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ये इसको साइड में रखिए। सॉरी इसमें नहीं है। चलिए आपको मैं पीडीएफ में दिखा देता हूँ थर्मोमीटर क्या। यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज टेकन फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, थर्मो एंड मीटर। थर्मो मीन्स हीट और मीटर मीन्स मेजरमेंट, यानी कि हीट का मेजरमेंट, हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट जिस डिवाइस से किया जाता है उसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये है, उसमें टू फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, थर्मोमीटर हैज टू स्टैंडर्ड मार्किंग्स ऑन इट नोन एज फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर विच ऑलवेज रिमेन्स द सेम। लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट। अभी हम मैंने बताया ना, आइस स्टार्ट मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग जानेंगे कि थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस जो फिक्स पॉइंट होता है वो उस पर क्या होता है, आइस स्टार्ट करता है मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। देखिए यहाँ देखिए, द टेम्परेचर द अपर फिक्स पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द प्योर वाटर बॉयल्स एट सी लेवल। द अपर लेवल क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ अब टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आइए लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज इन लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। ये कहाँ यूज किया जाता है, लैब में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप कैपिलरी ट्यूब होता है, इसमें ग्लास को क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं, उसका कैपिलरी ट्यूब होता है। उसमें सबसे पहले बताइए कि थर्मोमीटर में क्या होता है जो एक्सपेंस करता है, मतलब हीट जब देते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। तो थर्मोमीटर में आज से जान लीजिए मरकरी रहता है। कौन सा मेटल है जो थर्मोमीटर में रहता है, मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब जब उसको हम हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, तो जितना हीट होगा वो एक्सपेंड करेगा और जहाँ उस टेम्परेचर पे जाके रुकेगा वही टेम्परेचर जो भी सब्सटेंस हम हीट जो भी जिस सब्सटेंस से सप्लाई किए हैं उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया। नाउ एक और तरह का थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक तरह का थर्मोमीटर बनाया गया जिसका क्या नाम है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसा कि आप फिगर के थ्रू समझिए, यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो होता है यही है क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपके घरों में भी होगा,
आप देख सकते हैं वहां से, ये थर्मोमीटर बल्ब फिल विथ मरकरी, यहाँ जो है यहाँ मरकरी को फिल किया जाता है, ठीक है। ये किंक होता है, ठीक, जो मरकरी को फ्लो कराने में हेल्प करता है। और उसके बाद से स्केल शुरू होता है, जैसे यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस, नीचे में देखिए, नीचे में डिग्री सेल्सियस में है और ऊपर में फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन यहाँ डिग्री सेल्सियस होगा स्केल है, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यहाँ होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें कैपिलरी ट्यूब होता है जिसमें मरकरी फ्लो करता है। नाउ जब यहाँ से हम किसी बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो उसके हीट के कारण ये क्या होता है, यहाँ से मरकरी क्या होता है, फ्लो करता है। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, आपको फीवर नहीं है, तो यहाँ कहाँ रुकेगा, 37 के आसपास रुकेगा, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रुकेगा। अगर आपको फीवर है, तो इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो वो होता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन है इसका यूज करने का। जैसे आप उसको यूज करके रख दिए और फिर उसको यूज कर रहे हैं, ऐसे ही सिंपली आप यूज किए और उसे रख दिए और फिर यूज कर रहे हैं, तो वो गलत है। उस तरह से टेम्परेचर मेजर नहीं किया जा सकता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो कुछ प्रिकॉशंस हम लोग को देने होंगे, जैसे वॉश द थर्मोमीटर बिफोर यूज, प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड ड्राई इट वाइल यूजिंग अ कॉटन स्वैब, ठीक है। अब जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर, हम लोग थर्मोमीटर जो यूज करते हैं, वो ऐसा थोड़ी है कि सबके लिए अलग अलग थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो एक ही थर्मोमीटर से हम सबका टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो हो सकता है कि किसी को कोई इन्फेक्शन हो, या उसका क्या होगा, एंटीपोलेंट जो होगा वो थर्मोमीटर पे स्टक कर गया, फिर हम दूसरे का मेजर किए तो उसमें फैल गया। इस तरह से करके कुछ परेशानियां हो सकती है। तो इसके कारण हम लोग को क्या करना चाहिए, थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए और उसको ड्राई करना चाहिए, इससे कॉटन स्वैब से, ठीक है। होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली, गिव इट अ फ्यू जर्क्स। अब हम लोग को थर्मोमीटर को जर्क देना चाहिए, क्योंकि जो भी मरकरी एक्सपैंड किया है वो फिर से कहाँ आ जाए, थर्मोमीटर के किंक में आ जाए। जो भी मरकरी एक्सपैंड हुआ है वो फिर से थर्मोमीटर के किंक में आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपको तो परफेक्ट मेजर चाहिए, तो किंक में आ जाएगा, तो फिर आप हीट सप्लाई करेंगे, जितना टेम्परेचर होगा तो वो फिर रेज करेगा, ठीक है। आफ्टर 2 मिनट्स टेक आउट द थर्मोमीटर एंड रीड द मरकरी। अब क्या करना चाहिए कि वो हम कर दिए, जर्क दे दिए, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग फॉर अबाउट 2 मिनट्स, इन केस ऑफ चाइल्ड प्लेस इट बिलो द आर्म पिट एंड नॉट इन माउथ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, या तो उसको हम लोग जीभ के नीचे दबा देंगे, मतलब दबाने का मतलब ये है कि उसका जो बॉल होता है उससे टेम्परेचर हीट आपके बॉडी में जो है वो फ्लो करना चाहिए, ठीक है। या फिर चाइल्ड बच्चे के मुंह में नहीं डाल के बल्कि आर्म पिट में डाल देंगे, जो भी उसका बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे हीट फ्लो होगा और मरकरी का एक्सपेंडेशन होगा, ठीक है। 2 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस थर्मोमीटर को निकालेंगे और हम लोग एब्जॉर्ब क्या करेंगे कि वो जो मरकरी था किंक में वो क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। मतलब अकॉर्डिंगली ह्यूमन बॉडी, जिस बॉडी का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो मरकरी एक्सपैंड कर गया। और स्केल पे जैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो स्केल पे जितना भी टेम्परेचर होगा वो बता देगा, ठीक है। अब प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर रीड करते समय हम लोग को कुछ बारीकियां बरतनी होती हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। मैंने यहाँ बताया कि एंटीसेप्टिक से यूज करने के पहले वॉश करना चाहिए और यूज करने के बाद भी वॉश करना चाहिए, ठीक है। रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली सो एज टू कीप द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उस थर्मोमीटर को हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे, ठीक है। हम लोग का बॉडी का पार्ट कोई भी
उसके बाल में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो क्या होगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है उसमें फ्लो हो जाए, तो इस तरह से वो मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग हॉरिजेंटली उसको रखेंगे, लाइन ऑफ साइट के लॉन्ग रखेंगे, ठीक है? हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अब हम लोग थर्मोमीटर को ध्यान से रखना चाहिए, अगर किसी जर्क देते समय किसी चीज़ को वो टकरा गया, ठीक है, उसके अंदर का जो मरकरी होता है वो बाहर जाएगा, ठीक है? तो वो एक तरह से कहिए तो पॉइजन ही है, अगर किसी के माउथ में चला गया या फिर आईज में चला गया तो वो दिक्कत कर सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको केयर से रखेंगे। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, ठीक है? हम लोग क्या, हम लोग जैसा मैंने बताया ना कि आपका कोई भी बॉडी का पार्ट उसके बल्ब को टच नहीं करना चाहिए, तो उसी तरह से डोंट स्टरलाइज द थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर एज दिस विल ब्रेक द बल्ब, ठीक है? अब देखिए, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हो सकता है हाई हो उतना, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मेजर यूज करते हैं, ठीक है? जो लैब में होते हैं वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर है, आप बॉइलिंग वाटर में उसको जाके डाल दिए कि उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर कर दें। हो सकता है कि हीट का एक्सपेंशन ज़्यादा हो और वो टूट भी सकता है। अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इज सनलाइट और नियर अ फ्लेम इट में ब्रेक। अब हम लोग धूप में थर्मोमीटर को नहीं रख सकते हैं, ठीक है? उससे दूर रखना होगा, किसी फ्लेम को उसके पास नहीं जाना होगा, उसके दूर रखना होगा, ठीक है? ये आप करा, जैसे सेंसेशन ऑफ हॉटनेस, और अब मैंने जितना पढ़ाया उस पर बेस्ड MCQ है, चलिए आप बताइए। हाँ, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड बाई डैश एनर्जी। अभी तो मैंने बताया हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी हैव सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो इसमें आंसर क्या होगा, सी, हीट, ठीक है? नाउ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विथ एन, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, किससे मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर से। बैरोमीटर क्या होता है, विंड प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, ठीक है? और लैक्टोमीटर क्या होता है, वो दूध में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मेजर करने के लिए, ठीक है? तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, ठीक है? द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू, क्या होता है रेंज क्लिनिकल थर्मोमीटर का, 35 डिग्री सेल्सियस टू, अभी बताया ना मैंने 35 डिग्री, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू, यहाँ 42 डिग्री सेल्सियस, आप देखेंगे ऊपर में फिगर में भी आपको दिखाया गया 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? नाउ रेंज ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? फिगर में आप देख लेंगे, वो मैंने बताया भी है आपको। इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज, अब सेल्सियस स्केल में सबसे लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? रेंज का सबसे लोअर पॉइंट ही स्केल का लोअर पॉइंट होता है, ठीक है? अब आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे, चलिए तब तक के लिए बाय रहेगा, थैंक यू।